आपका मेरे चैनल थ्रेड एंड निडल बाय मधु में स्वागत है। आज मैं पहली बार इलेक्ट्रिक मशीन से डोरमेट बनाने वाली हूँ। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कतरन का हमने रीयूज किया है। इलेक्ट्रिक मशीन को चलाने के लिए हमने एक्सटेंशन बोर्ड में प्लग को लगा लिया है। इंची टेप मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं स्केल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 12 लिया है और फिर 12 पे माप लगाया है, यानी 24 इंच लिया है हमने लंबाई, और चौड़ाई है 12 इंच। चार कोनों में हमें दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क लगा देना है और दोनों मार्क को एक दूसरे से राउंड शेप में मिला देना है। कैंची के मदद से हमें चारों कोनों के लाइन पर कट लगा लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे मैं पहले से ही कतरन का पट्टी काट के रखी हूँ, जिसका माप है 2 इंच बाय 14 इंच। इससे मैं बोरा के किनारों में पाइपिंग लगाने वाली हूँ। कतरन के दो पट्टी को उल्टा करके एक साथ सिलाई लगा लेना है। इसी तरह आगे भी एक एक करके कतरन को जोड़ जोड़ के हमें एक फीता तैयार कर लेना है। पहले हमें लगता था कि इलेक्ट्रिक मशीन चलाना बहुत ही हार्ड है, पर जब हमने फंक्शन को समझा, उसके बाद जब मशीन को चलाया, तो पता चला बहुत ही इजी है चलाना। इस मशीन का एक अच्छा बात यह है कि बहुत ही छोटा है, इसलिए इसे कहीं भी आप सिलाई कर सकते हैं और इसे कहीं पे भी रख सकते हैं आराम से। पाइपिंग लगाने के लिए फीता को दोनों साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बोरा को कपड़े के बीच में रखना है और पाइपिंग को इस तरह से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह हमें पूरे किनारों में ध्यान देते हुए कि बोरा छूट ना जाए सिलाई से, और पाइपिंग लगाते जाना है। इसी पतला पतला कतरन को हमें 2 या 3 एक साथ लेना है और फिर 1 या 2 फोल्ड करके हमें मशीन पर इस तरह से सेट करके बोरा पर रख के सिलाई चलाते जाना है। इसी तरह हमें आगे भी कतरन के 2 या 3 टुकड़े को हाथ में पकड़ना है और वह 1 या 2 फोल्ड करके अपने हिसाब से लंबाई रखना है और मशीन में सेट करते जाना है और सिलाई राउंड बाय राउंड लगाते जाना है, जब तक कि बोरा पूरा फिल ना हो जाए। आपके घर में इस तरह का कतरन हो तो उसे फेंके ना,
इस तरह से डोरमेट बनाए बहुत ही अच्छा दिखता है और कतरन भी ख़त्म हो जाता है। मेरे पास पहले से ही प्लास्टिक का धागा था, उसी से मैं डोरमेट को सिलाई की हूँ ताकि ये बहुत दिन तक टिके। अगर आपके पास भी हो तो उसी से सिलाई करें, बहुत ही अच्छा रहता है। एक राउंड हमने सिलाई लगा लिया है, इसी तरह हमें राउंड बाय राउंड सिलाई को लगाते जाना है और फिर डोरमेट बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि डोरमेट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। यह दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।